सिनेमा हॉल में द कश्मीर फाइल देखते रह गए योगी के मंत्री। यूपी में हो गया बड़ा खेला, जान बचाकर भागे स्वतंत्र देव सिंह। जी हाँ, आपको तय चले कि द कश्मीर फाइल फिल्म देखने के बाद यूपी के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, जब तक इतिहास नहीं जानेंगे तब तक भविष्य को बेहतर नहीं बना पाएंगे। द कश्मीर फाइल फिल्म ने अत्यंत गंभीरता से माँ भारती के मस्तक पर लगे कलंक धारा 370 के कारण कश्मीर में हुए हिंदुओं के नरसंहार की सच्चाई को दुनिया के सामने उजागर किया है, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर ने स्वतंत्र देव सिंह को नसीहत देते हुए कई तरह के ट्वीट भी किए हैं। इसी कड़ी में नाहिद राजपूत ने ट्वीट करते हुए लिखा, सच में देश से कश्मीर की सच्चाई आप लोगों ने छुपाई है। कश्मीरी पंडितों को भगाया तो भाजपा समर्थित सरकार थी और भाजपा जगमोहनी जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे। राजीव गांधी जी ने कश्मीरी पंडितों के उत्पीड़न पर संसद घेराव किया था, बीजेपी चुप्पी साधे बैठी थी। वहीं विकास सिंह यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, ब्राह्मणों की फिल्म आई है कश्मीर फाइल, कह रहे हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था, झूठ बोल रहे, हिंदुओं पर नहीं ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ था, दूसरे हिंदुओं को मत घसीटो राजनीति के लिए अपनी समस्याओं में। वहीं वसीम अहमद ने ट्वीट करते हुए लिखा, अरे आप लोगों को इतिहास की पढ़ी है, इतिहास तो रोज बनता है आपके कामों से। जिस दिन अच्छे काम करने लग जाओगे उस दिन इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपना देश बहुत अच्छा हो जाएगा। आज के टाइम में गल्फ कंट्री में कोई क्राइम नहीं होता है सिर्फ इसलिए कि वहां का कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। वहीं एक अन्य ट्विटर यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, यह दुखद है कि आज के बच्चों को सही इतिहास की समझ नहीं है, पिछली सरकारों में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पढ़ाया गया, फिर देशभक्ति कहां से जागेगी। बीजेपी को सीबीएसई स्कूलों में सही इतिहास पाठ्यक्रम में बदलाव करना चाहिए, चाहे विरोध क्यों ना हो। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।